असलमैकम डेयर स्टूडेंट्स आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल सो टूडे आई वी हैव टू डि अबाउट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको हम सी पी यू भी कहते हैं ये कम्प्यूटर के अंदर एक यूनिट होता है जिसको सी पी यू कहते हैं चलो फिर स्टार्ट करते हैं देंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सी पी यू ऑफ द कम्प्यूटर इज़ लाइक आवर ब्रैंड जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है सी पी यू कम्प्यूटर के अंदर ये हमारे दिमाग की तरह होता है ठीक है हाउ डज़ आवर ब्रेन वर्क हमारा दिमाग कैसे काम करता है पहले हम वो देखते हैं और आई सी इनपुट मैथमेटिकल प्रॉब्लम हमारी आँखें अगर कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम कोई क्वेश्चन होगा मैथमेटिक्स का हम वो देखते हैं ठीक है और एंड सेंड द डिटेल्स टू द ब्रेन जो डिटेल्स हैं जो हम वो क्वेश्चन देखते हैं वो दिमाग के अंदर चला जाता है ठीक है फिर हम दिमाग में सोचते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है जब वो सोचते हैं तो वो प्रोसेस होता है ठीक है वो हमारे दिमाग के अंदर एक प्रोसेस होता है और जब रिज़ल्ट आता है जब हमारे दिमाग में वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है कि हमें पता चल जाता है कि इसको कैसे सॉल्व करना है हम फिर पेपर पे वो लिख देते हैं ठीक है इन अ सिमिलर वे सेम ऐसे ही सीपीयू होता है सीपीयू क्या करता है इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है फ्रॉम द कीबोर्ड कीबोर्ड से इंफॉर्मेशन ये रिसीव करता है जब यूज़र कीबोर्ड पे कुछ टाइप करता है डेटा एंटर करता है तो वो सीपीयू के अंदर चला जाता है सीपीयू के अंदर जब वो चला जाता है वहाँ प्रोसेस हो जाता है और सीपीयू क्या करता है आउटपुट देता है मोनीटर और द प्रिंटर मोनीटर पर वो अपना रिजल्ट देता है या तो प्रिंटर पर जैसे यूज़र को चाहिए होता है ठीक है तो अब आपको पता चल गया होगा कि सी क्या होता है सी कंप्यूटर के अंदर एक यूनिट होता है जैसे हमारा दिमाग है हम जब कुछ सोचते हैं हमारा कोई क्वेश्चन होगा हमारा कोई प्लान होगा हमें वो कैसे करना है हम पहले देखते हैं ठीक है थीके? अच्छे से फिर उसको समझते हैं और समझने के बाद हम वो कर देते हैं वो काम जो हमें करना होता है चाहे हमें वो कोई क्वेश्चन होगा हम सोचने के बाद वो लिख देते हैं ऐसे ही सी पी यू इंफॉर्मेशन रिसीव करता है फ्रॉम द कीबोर्ड और उसके बाद प्रोसेस हो जाता है सी पी यू के अंदर और सी पी यू फिर क्या करता है इंफॉर्मेशन देता है आउटपुट की शेप में मॉनिटर और द प्रिंटर को ठीक है आगे बढ़ते हैं सी पी यू इट सेल्फ फॉलोइंग थ्री कंपोनेंट्स सी पी यू जो है इसके तीन कंपोनेंट्स हैं मेमोरी और स्टोरेज यूनिट कंट्रोल यूनिट ए एल यू जिसको अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं ठीक है ये तीन कंपोनेंट्स हैं सीपीयू के मेमोरी और स्टोरेज यूनिट या तो मेमोरी यूनिट कहते हैं या स्टोरेज यूनिट दूसरा है कंट्रोल यूनिट और तीसरा है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जिसको ए कहते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं सी के कंपोनेंट्स मेमरी यूनिट दिया गया है उसके बाद है कंट्रोल यूनिट अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट यहाँ साइड पे इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट आगे बढ़ते हैं देयर आर थ्री मेन पार्ट्स ऑफ द सी पी यू कंट्रोल यूनिट प्रोसेसिंग यूनिट मेमोरी यूनिट कंट्रोल यूनिट क्या होता है इट एक्ट्स लाइक ए रिसीवर एंड एंड अ मैनेजर ऑफ़ ए कंपनी इट रिसीव्स इनपुट्स फ्रॉम यूजर एंड कंट्रोल डिफरेंट पार्ट्स टू डू द ऑपरेशनल रिक्वायर्ड जो कंट्रोल यूनिट होता है ना तो ये प्रोसेस करता है ना तो ये डेटा को स्टोर करता है इसका क्या काम होता है डेटा को रिसीव करना और उसके बाद डेटा को कंट्रोल करना उसको ट्रांसफ़र करना टू द अदर यूनिट्स ऑफ द कंप्यूटर देखो जैसे एक मैनेजर होता है कंपनी का वो अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे कंट्रोल करता है वैसे ही कंट्रोल यूनिट कंपोनेंट कंप्यूटर के अंदर एक कंपोनेंट होता है ये भी कंप्यूटर के जो बाकी यूनिट्स हैं उनको वैसे ही कंट्रोल करता है ठीक है जब डेटा कंप्यूटर के अंदर चला जाता है ठीक है आप यूज़र हैं आपने, है, आपने कीबोर्ड पे टाइप करा कुछ भी और वो कंप्यूटर के पहले स्टोरेज के अंदर चला जाता है ठीक है स्टोरेज के बाद वो कंट्रोल यूनिट के अंदर चला जाता है कंट्रोल यूनिट में जब वो जाता है तो कंट्रोल यूनिट उसको आगे प्रोसेसिंग के लिए भेजता है जब प्रोसेस हो जाता है प्रोसेस होने के बाद वो फिर से स्टोरेज में आ जाता है और स्टोरेज में कंट्रोल यूनिट उसको फिर से आउटपुट में वापस भेज देता है ठीक है जो रिज़ल्ट होता है तो कंट्रोल यूनिट का काम होता है जो बाकी यूनिट्स हैं कंप्यूटर के उसको उनको कंट्रोल करना ठीक है डेटा को कंट्रोल करना और ट्रांसफ़र करना इसके बाद है प्रोसेसिंग यूनिट जिसको अर्थेमेटिक यूनिट कहते हैं इट एक्ट्स एज एन अकाउंटेंट ऑफ ए कंपनी एंड परफॉर्म्स ऑल द मैथमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशन प्रोसेसिंग यूनिट जो है ये कंपनी का जो अकाउंटेंट होता है उसकी तरह काम करता है अकाउंटेंट जो होता है उसका काम जैसे होता है वैसे ही प्रोसेसिंग यूनिट काम करता है इसका क्या काम होता है जो भी आप डेटा देते हैं उसका प्रोसेस करता है ठीक है जो भी इंफॉर्मेशन डेटा कंप्यूटर के अंदर चला जाता है उसको प्रोसेस करना जैसे हमारा दिमाग है हम सोच लेते हैं अंदर से हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं वैसे ही प्रोसेसिंग यूनिट जो है अर्थमेटिक और ये अर्थमेटिक यूनिट जो है इसको ये क्या करता है डेटा को प्रोसेस करता है मैथमेटिकल जो ऑपरेशन हैं वो कर देता है लॉजिकल ऑपरेशन जैसे हो गए जैसे आपको एडिशन uh, है सब्ट्रैक्शन है मल्टीप्लिकेशन है डिवीजन है ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है तो ये कर देता है लॉजिकल कैलकुलेशन कर देता है ठीक है इसके बाद है मेमोरी यूनिट मेमोरी यूनिट क्या है इट एक्ट्स एज द स्टोरेज रूम ऑफ अ कंपनी वेयर डेटा इज स्टोर टेम्परली रैम एज वेल एज फॉर ए लॉन्ग टाइम रोम मेमोरी यूनिट जो है ये डेटा को स्टोर करता है जैसे मैंने पहले आपको बताया जब यूज़र डेटा इंटर करता है ठीक है इंफॉर्मेशन इंटर करता है कंप्यूटर के अंदर तो वो सारा डेटा जो है वो स्टोरेज के अंदर चला जाता है ठीक है स्टोरेज के अंदर चले जाने के बाद वो आगे प्रोसेसिंग के लिए जाता है तो मेमोरी यूनिट जो है ये पूरा डेटा स्टोर करता है ये जो कंपनी का स्टोरेज रूम जैसे आपके घर में कोई स्टोर रूम होता है ठीक है आप जो भी सारा सामान आपके घर का होता है वो आप वहाँ पे रख लेते हो और फिर जो आपको चीज़ चाहिए होता है जो आपको ज़रूरत पड़ता है वो आप स्टोर से निकाल लेते हैं आप तो ऐसे ही कंप्यूटर का जो ये मेमोरी यूनिट होता है ये पूरा डेटा स्टोर कर लेता है और फिर जब स्टोर ये चाहिए होता है कंप्यूटर को तो ये कंट्रोल यूनिट उसको ट्रांसफ़र करता है तो कुछ डेटा होता है जो टेम्पररी रहता है और कुछ डेटा होता है जो परमानेंटली रहता है तो वो रैम और रोम होता है रीड ऑनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी आगे बढ़ते हैं रैम रोम फ्लैश मेमोरी ये तीनों हम देखते हैं कि रैम क्या होता है रोम क्या होता है और फ्लैश मेमोरी क्या होता है वन यू आर डूइंग टास्क ऑन यूर कंप्यूटर यू यूज़ रैम जब आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे होते हैं आपने कंप्यूटर ऑन किया आप कंप्यूटर चला रहे हैं तो इसका मतलब आप रैम यूज़ कर रहे हैं ठीक है तो रोम क्या है परमानेंटली स्टोर्स इंफॉर्मेशन जो परमानेंटली आपके कंप्यूटर के अंदर डेटा रहता है वो रोम के अंदर रहता है ठीक है रैम और रोम ये दोनों अलग अलग हैं ये दोनों स्टोरेज हैं रैम तब आप यूज़ करते हैं जब आप कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं ठीक है और रोम जो होता है ये परमानेंटली स्टोर स्टोर करता है डेटा को इसके बाद है फ्लैश मेमोरी फ्लैश मेमोरी क्या है कैन परमानेंटली स्टोर इन्फॉर्मेशन जैसे आपका पेन ड्राइव हो गया अगर आपके पास पेन ड्राइव होता है उसके अंदर जो आप डेटा स्टोर करते हैं तो वही फ्लैश मेमोरी है टेम्पर्रली स्टोर्स इंफॉर्मेशन जो रैम है ये टेम्प्ररी क्या बोलते हैं इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है जो रॉम है इंफॉर्मेशन इज़ स्टोरड वन कंप्यूटर इज़ ऑफ अगर कंप्यूटर आपका ऑफ भी रहता है तो आपका जो इंफॉर्मेशन है आपका जो डेटा है वो तब भी सेव रहता है रैम के अंदर आप क्या करते हैं जब कंप्यूटर आपने ऑफ़ कर दिया आप जो वो काम कर रहे थे कंप्यूटर के अंदर वो सारा इरेज हो जाता है ठीक है वो वहाँ पे सेव नहीं रहता है रोम के अंदर जो डेटा होता है वो परमानेंटली स्टोर रहता है इंफॉर्मेशन इज़ नॉट लॉस्ट वेन कंप्यूटर इज सड ऑफ़ जो फ्लैश मेमोरी है इसके अंदर अगर आप कंप्यूटर ऑफ कर देते हैं तो इंफॉर्मेशन इरेज नहीं होता है इंफॉर्मेशन जो होता है वो डेटा आपका वो सेव ही रहता है रैम का और एक पॉइंट है इंफॉर्मेशन इज़ लॉस्ट व्हेन कंप्यूटर इज सुचड ऑफ आप अगर कंप्यूटर ऑफ करते हैं रैम का तो ये yes, कंप्यूटर अगर ऑफ़ करते हैं तो रैम के अंदर जो भी आपका डेटा होता है वो इरेज हो, हो जाता है इंफॉर्मेशन कैन नाट बी चेंज्ड ई जो रोम होता है इसके अंदर आप इंफॉर्मेशन आपका जो है वो डेटा जो है वो ईज़िली चेंज नहीं होता है फ्लैश मेमोरी के अंदर क्या होता है इंफॉर्मेशन कैन बी चेंज ऑन ईजिली इट इज़ मेनली यूजड इन रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस लाइक यू एस बी एंड इट्स यूसेज इज़ बेस्ड ऑन यूज़र्स नीड जो फ्लैश मेमोरी ऐप जैसे आपका पेन ड्राइव हो गया इसके अंदर आप अपने इंफॉर्मेशन को अपने डेटा को ईजिली चेंज कर सकते हैं ठीक है ये रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस होता है जैसे यू एस बी हो गया तो इसका जो डेटा होता है ये क्या इसका जो यूसेज होता है ये बेस्ड ऑन यूज़र्स नीड होता है यूज़र की जैसी नीड होगी यूज़र जो डेटा अंदर रखना चाहेगा स्टोरेज में वो रख सकता है जो इरेज करना चाहेगा उसको इरेज कर सकता है ठीक है रैम पे फिर से आते हैं इंफॉर्मेशन कैन बी चेंज ईज़िली इंफॉर्मेशन ईज़िली चेंज हो सकता है तो रोम में क्या होता है इट इज़ मैनली यूजड वन स्टार्टिंग द कंप्यूटर रोम का जो डेटा होता है ये तब यूज़ होता है जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं ठीक है जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट में होता है तो ये था रैम रोम और फ्लैश मेमोरी पे जो आपको समझ आया होगा अच्छे से कि रैम रोम और फ्लैश मेमोरी क्या होता है रीड ऑनली मेमोरी रैंडम एक्स मेमोरी एंड फ्लैश मेमोरी ठीक है आ, तो ये तीनों मेमोरी हैं इसके बाद मदरबोर्ड आता है मदरबोर्ड क्या होता है मदरबोर्ड आपने देखा ही होगा अगर आप कंप्यूटर यूज़र हैं आप अगर आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि मदरबोर्ड क्या होता है मदरबोर्ड हमारे कंप्यूटर के अंदर एक बोर्ड होता है जिसमें जो बोर्ड कंप्यूटर के तमाम यूनिट्स जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनके साथ कनेक्ट होता है ठीक है मदर बोर्ड आल्सो रेफर टू एज सिस्टम बोर्ड मदर बोर्ड को सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं इज़ द मैन सर्किट बोर्ड इनसाइड ए कंप्यूटर ये कंप्यूटर के अंदर एक मेन सर्किट बोर्ड होता है ये सर्किट बोर्ड एक होता है जिससे तमाम बाकी कंप्यूटर के कंपोनेंट्स यूनिट्स जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं इट कनेक्ट्स इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट डिवाइस जो भी इनपुट डिवाइस हैं आउटपुट डिवाइस हैं ठीक है प्रोसेसिंग यूनिट हैं वो तमाम इस मदरबोर्ड के साथ कनेक्टेड होते हैं विदाउट मदरबोर्ड कंप्यूटर काम नहीं कर सकता ठीक है सम अदर इंपॉटेंट पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम आर स्टोरेज डिवाइस पोर्ट्स एंड कनेक्शंस बाकी जो कंप्यूटर के अदर इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं वो हैं सिस्टम स्टोरेज डिवाइस पोर्ट्स एंड कनेक्शंस ये सारे मदरबोर्ड के अंदर होते हैं पोर्ट्स होते हैं ठीक है कनेक्शंस होते हैं जैसे आप यू एस बी केबल लगाते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर तो वो मदर बोर्ड के साथ ही कनेक्ट होता है आप आडियो के लिए कोई एयरफोन है या माइक लगाते हैं तो वो भी कंप्यूटर ये सॉरी मदर बोर्ड के साथ कनेक्ट होता है आई मीन टू से कि मदरबोर्ड जो है ये एक पूरे कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होता है विदाउट मदरबोर्ड आप कंप्यूटर यूज़ नहीं कर सकते तो पूरा जो कंप्यूटर है वो मदरबोर्ड पे ही डिपेंड करता है ठीक है तो यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म होता है आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा कि सी क्या है और उसके कंपोनेंट्स क्या हैं और मदर क्या है थैंक यू फॉर टुडे अल्लाह हाफिज़